नमो भगवते वासुदेवाय। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को विदा कर रहे हैं कार्तिक उत्थान द्वादशी के बाद। उसे उपलक्षण समझने थे, कुछ कुछ भक्त रथ यात्रा के बाद चले गए, कुछ रह गए बहुत काल तक, कुछ जन्माष्टमी देख करके गए, और कुछ भक्त कार्तिक शुक्ला द्वादशी के बाद गए। तो जो लोग कार्तिक शुक्ला द्वादशी के बाद गए उन भक्तों का यहां नाम कह रहे हैं, किस गांव के। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा, शिवानंद सेन को यह कहा कि आप मुकुंद का पोषण करते रहिए। अब कहे कि प्रति वर्षे आमर सब भक्त गण लैया गुंडी चाय आशीवे सबाय पालन करिया। शिवानंद सेन जी वो बंगाल के सभी भक्तों को लेकर के आते थे, वही सबका समाधान करते थे, व्यवस्था करते थे रास्ते में। तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रति वर्षे आमर सब भक्त गण लैया, आप प्रति वर्ष मेरे भक्तों को लेकर आइएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं अमार भक्त गण लगी, अमार मेरे भक्तों को लेकर के आइएगा। हरे 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 राम हरे राम। तो प्रति वर्ष मेरे भक्तों को लेकर के आप आइएगा गुंडीचा मंदिर में अर्जन करने से पहले। कुलीन ग्रामेर कहे सम्मान करिया, प्रत्यर्द आशीवे यात्रा पट डोरी लैया। कुलिया ग्राम के वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रति वर्ष आइएगा रथ यात्रा में सब लोग, जगन्नाथ जी के लिए पट डोरी आदि लेकर के। गुणराज खान कैलो श्री कृष्ण विजय, तहां एक वाक्य तार आछे प्रेममय। गुणराज खान ने पुस्तक लिखा है जिसको श्रीकृष्ण विजय कहते हैं, ये दशम स्कंध का और एकादश स्कंध का अनुवाद है। यदि कविता की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से यह लबालब रसमय ग्रंथ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नंद नंदन कृष्ण मोर प्राण धन, यही वाक्य बिकायनु तार वंशरहाथ। उन्होंने कुलिया ग्राम के थे गुणराज खान, तो उन्होंने कहा कि गुणराज खान ने लिखा है श्री कृष्ण विजय में कि यही भावे बंद हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। एक प्यार लिखा है उसने, इस भाव से हाथ जोड़ करके कृष्ण की वंदना करो। और फिर वो लिखते हैं गुणराज खान उसके बाद, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके इस एक वाक्य से मैं उसके हाथ बिक चुका है। एक वाक्य नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, इतना सुंदर बात है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनके केवल इस वाक्य से ही मैं उनके हाथ में बिक चुका हूं। तबे रामानंद आर सत्यराज खान, प्रभु रे चरण किछु कैला निवेदन। आगे आगे बात रहे, तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामे रह कुकुर, सही मोर प्रिय अन्य जन बहु दूर। भगवान चैतन्य प्रभु ने कहा कि कुलीन ग्राम के, कुलिया ग्राम के सभी लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य भक्त कितने प्रिय हैं, वहां का एक कुकुर भी मुझको बहुत प्रिय है। तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामेर कुकुर, सही मोर प्रिय अन्य जन बहु दूर रहु दूर। उस गांव का एक कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। तबे रामानंद आर सत्यराज खान, प्रभु र चरण किछु कैला निवेदन। तो सत्यराज और रामानंद राय ये लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण में कुछ निवेदन किए। गृहस्थ विषय यानी कि मोर साधने,
श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। तो रामानंद राय और सत्यराज खान जिन्होंने ग्रंथ लिखा है तो वो आकर के कहे चैतन्य महापुरुष से, गृहस्थ विषयामी किमोर साधन है, हम एक गृहस्थ हैं, विषयी हैं, माया में बंधे हुए हैं, हमारे लिए साधन बताइए कृष्ण को पाने के लिए। तो श्रीमुख से आज्ञा दीजिए, किसी दूसरे द्वारा मत कहलवाइए, आप डायरेक्ट आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। बस सारे उपदेशों का सार हो गया। प्रभु ने कहा कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन और निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, तो इसमें दो तो समझ में आ रहा था, कृष्ण सेवा करना ये समझ में आ रहा था, कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा या और तरह से सेवन, और निरंतर नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन और वैष्णव सेवन कीजिए। तीन गृहस्थों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु तीन चीज बताए, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन और निरंतर नामोच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्यराज ने पूछा, फिर सत्यराज बोले वैष्णव चीनी व के माने के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण। ठीक है, वैष्णव की सेवा करनी है तो वैष्णव को कैसे पहचानेंगे, कैसे चिन्हेंगे, उसका सामान्य लक्षण बताए जिसे देख करके समझ में आ जाए कि ये वैष्णव है, उसकी सेवा करेंगे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभा का। जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द निकले, एक बार भी प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभा का, वो पूज्य व्यक्ति है और सबसे श्रेष्ठ है, मतलब नाम नहीं लेने वालों में से उन सबसे श्रेष्ठ है, अथवा वैष्णवों में वो श्रेष्ठ है जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम आ रहा है। ऐसे जपता रहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई गृहस्थ एक बार भी किसी के नाम मुख से नाम सुने तो उसी की पूजा करनी चाहिए, वो बहुत श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं वैष्णव की परिभाषा। आजकल लोग कहते हैं ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि एक बार भी कोई नाम बोला, भले पहले ना बोलता हो या बाद में भी हो सकता है ना बोले, पर एक बार भी बोल दिया तो वैष्णव। ये अद्भुत परिभाषा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की। और ये बात करते हैं, कह रहे हैं कि प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण का नाम जपने वाला, नाम कीर्तन करने वाला ही वैष्णव है, इसे संदेह में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो नाम जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वही वैष्णव है, वो बहुत श्रेष्ठ है। अहो बतस्व पचोतो ना, अहो बतस्व पचोतो गरी अंजज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्य तेपुष तपस्ते जहूस अस्मराद ब्रह्मा नचुर नाम गृणंती। कई शास्त्र का उदाहरण दिया उन्होंने। माता देवहूती जी कहते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है त्यौहार। एक कृष्ण नाम एक बार उच्चारण किया जाए अथवा सुना जाए तो वह एक बार का उच्चारण किया हुआ कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय कर देता है। अनंत अनादि काल से जो भी पाप हुआ है जीव से, किसी भी योनि में कई प्रकार से रच रच करके पाप किया हो, सारा पाप एक नाम बोलने से या सुनने से नष्ट हो जाएगा। किसी किसी को आश्चर्य होगा कि क्या चैतन्य महाप्रभु इतना भावुकता में बोल रहे हैं। वो भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको बोल रहे हैं।
एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए किसी कमरे में कई लाख वर्ष से डार्कनेस अंधकार भरा हुआ है और कदाचित वहां पर प्रकाशशील वस्तु लाई जाए, जैसे बिजली की व्यवस्था करके और उसमें स्विच भी लगा दिया जाए, तो स्विच ऑन करते ही अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं कोटि साल से यहां था, मैं जल्दी नहीं जाऊंगा। तुम करोड़ वर्ष से हो या एक दिन से हो, अब जब अंधकार का विरोधी तत्व तो प्रकाश आ गया तो उसको भागना ही है। ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत काल से इसमें डेरा डाला था, मैं धीरे धीरे भागूंगा, नहीं, लाइट ऑन होते हैं उसको भागना है। तो इस तरह भगवान का नाम जो है वो भगवत स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है पूर्ण। किसी भाग्यवान जीव के जिह्वा पर आने पर या कान में आने पर उसके सारे पापों को नष्ट कर ही देता है, जैसे लाइट अंधकार का नाश कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। नौ विधा भक्तिपूर्ण नाम है ते है, भगवान के चरण कमलों में जो नौ प्रकार की भक्ति की जाती है, नौ धा, वो केवल नाम के उच्चारण से पूरी हो जाती है। नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नवधा भक्ति में भी नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुलभ है। जीव का जन्म जन्म का साथी कहीं भी, घर में, ऑफिस में, या कार में, बस में, स्कूल में, कहीं भी वही साथ रहता है। भगवान का नाम ही साथ रहता है, भगवान अपने नाम के रूप में साथ रहते हैं। तो नवधा भक्ति भी पूरी होती है नाम संकीर्तन से। भगवान की पूजा कर रहे हैं वो सब भी भगवान का नाम उच्चारण करने से ही पूरा होता है। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श या चंडाल सबारे उद्धार। तब कोई यह प्रश्न करे, ठीक है नाम उच्चारण करेंगे तो उसके पहले दीक्षा ले लेनी चाहिए, या नाम उच्चारण करने से पहले मंगलाचरण करना, कुछ पूजा पाठ करना, इसको पुरश्चर्या कर। किसी क्रिया के पहले जो काम किया जाता है उसको पुरश्चर्या कहते हैं। तो नाम लेने के पहले क्या ये सब चीज जरूरी है? चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आज चंडाले सबारे उद्धारे। कोई जरूरत नहीं कि इसके लिए पुरश्चर्या की जाए या दीक्षा ली जाए, केवल जिह्वा के स्पर्श से चंडाल तक को एक परम पवित्र कर देते, सबको पवित्र कर, सबरे उद्धार। इसमें विधि क्या है सबसे बड़ी? जिह्वा से टच करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसको पूरा करने के लिए कोई दूसरी विधि है ही नहीं, बल्कि यह सबकी कमी को पूरा करता है। अब यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, सब कीजिए, जो भी कमी रह गई वो हरे कृष्ण कहने से पूरी हो जाएगी। तो दूसरों की कमी को ये पूरा कर रहा है तो इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? इसमें कोई कमी है ही नहीं। अब जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, अखंड अशेष प्रकाश बिखेर रहा है सारे जगत में, तो सूर्य को कौन प्रकाश देगा और उसके प्रकाश की जरूरत क्या है? तो ऐसा थोड़े है कि अब सूर्य उगने वाला हो तो उस दिन लाइट की व्यवस्था की जाए कि सूर्य को ठोकर न लगे, दिखाओ लाइट आ रहे हैं, उग रहे हैं। तो सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को लाइट, टार्च, बल्कि बहुत बड़ा टार्च लेकर के और व्यवस्था की जाए कि भगवान सूर्य भाई रात्रि में भटक न जाए, उनको लाइट दो, उनको दीपक दिखाओ। ये भगवान का नाम साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, इसके उच्चारण से ही सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। और इसको पूरा करने के लिए, इसको सांगोपांग पूरा करने के लिए दूसरा क्या किया जा सकता है? कभी कभी कुछ लोग बहुत ही भावुकता से बोल देते हैं, देखो जब तक दीक्षा नहीं लोगे तो पहले का किया हुआ नाम जब सब काउंट नहीं होगा,
कंसीडर नहीं होगा। बाप रे, तो दीक्षा लेकर के बिजली का तार छुएंगे तब करंट मारेगा? अब जरा विचार कीजिए, बिना दीक्षा वाले छुए उनको नहीं करंट मारेगा। जो वस्तु शक्ति है वो भाव की अपेक्षा नहीं रखती है, भाव कुछ भी हो। यदि एक बच्चा किसी ईंधन पर अग्नि को फेंक दे या आग को छुए, छोटे बच्चे को अग्नि के धर्म का स्वभाव का ज्ञान नहीं है कि छूने पर जलाएगा, तो क्या अग्नि कभी विचार करता है कि बेचारा भोला भाला बच्चा है, इसको नहीं जलाना चाहिए? कुछ भी भाव हो, तुम अनजान में छुओगे फिर भी मरोगे, जलोगे। जब अग्नि अपना स्वभाव अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं पाता है, विद्युत अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, विष अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, तो भगवान का स्पिरिचुअल चिन्मय नाम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? वो क्यों अपेक्षा करेगा? अमृत उठा करके रखा हुआ कहीं रखा हुआ है और अमृत को कोई पानी समझ करके पी जाए, तो पानी समझ करके पिए चाहे दूध समझ करके पिए या अमृत समझ करके पिए, पीने वाले को तो अमर करेगा ही। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे गुण को जान करके पिया है तब इसको फायदा करना चाहिए। कभी कभी बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, दवा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन दवा उनके पेट में जाती है तो अपने असर करती है। भाव उनका कुछ भी तो खाना ही नहीं चाहते, बल्कि कितने बच्चे तो दूध पी करके उल्टी करने लगते हैं, पीना नहीं चाहते, माँ थप्पड़ तानते पियो पियो पियो, तो उनके पेट में जाने पर दूध है गुणकारी होता है, असर करता है। तो इस तरह भगवान का नाम चाहे कोई श्रद्धा से ले या अवहेलना से ले या किसी पद को पूरा करने के लिए ले या किसी वस्तु के बदले में ले, उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जैसे रमानंदी संप्रदाय में लवण को, नमक को राम रस कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ भी भजन न करे, केवल मांग दे एक बार कि राम रस दो, उसी में सारा पाप ध्वस्त हो गया उसका। नमक के लिए बोला राम रस, जैसे अजामिल अपने बेटा के लिए नारायण कहा था, लेकिन नारायण उसके बेटा का नाम थोड़े है, नारायण तो भगवान का नाम है अनादि काल से, तो उसको मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श या चंडाले सवार उद्धार। यहां तक कि भगवान की जो कथाएं हैं भागवत में कहीं भी, यदि उसमें से भगवान का नाम निकाल दिया जाए तो कथा मरी हुई मानी जाएगी। इसीलिए कथा की महिमा है कि इसमें बारंबार भगवान का नाम आया है, प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद में, नाम द्वारा ही ये पूरा होता है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। नाम साधन राज है, वास्तव में सबसे श्रेष्ठ साधन। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाले सवारे उद्धारे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट लिखे। अनुसंग फले करे संसारे रक्षाय, चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय। वैसे संसार का क्षय जन्म मरण तो आनुषंगिक फल के रूप में हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चावल चाहता है या धान का पौधा लगा रहा है, तो उसमें पशुओं के लिए पुआल, पुआल कहते हैं इधर, क्या कहते हैं पुआल, तो पुआल अपने आप हो जाता है और चावल उत्पन्न होता है तो चावल वो खाएगा, पकाएगा, बेचेगा, लेकिन भूसी उसमें अपने आप हो जाती है। तो कर्म बंधन मिट जाना, मुक्त हो जाना, तो ये भूसी जैसा अपने आप हो जाएगा, इसको आनुषंगिक फल कहते हैं। मुख्य फल है कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होना, ये नाम ही देता है भगवान कृष्ण में प्रेम, और आनुषंगिक रूप से संसार का क्षय कर देता है। आकृष्ट ही कृतचेत साम सुमन साम उच्चाटनम चांगसाम। भगवत भक्तों के, पुण्यात्मा पुरुषों के चित्त को यह आकृष्ट करता है, उनके चित्त में आनंद का समुद्र भर देता है, और उच्चाटनम चांगसाम, और पापों की पूरी सफाई कर देता है, खत्म कर देता है।
आचंडाल ममुक लोक सुलभ, और ये सबके लिए सुलभ है, चंडाल तक के लिए सुलभ है। आचंडाल मूक लोक सुलभ, और मूक व्यक्ति के लिए भी अमूक, मूक को छोड़ करके, एक गुंगे को छोड़ करके कोई भी इसको बोल सकता है, इसके बोलने में गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप ऐसा बनकर के तब नाम बोलो, तुम्हारा अधिकार नहीं है नाम बोलने का, ये बोलने का, ये मंत्र बोलने का। महामंत्र बोलने का किसी को भी स्वरूप सिद्ध अधिकार है। हाँ, एक ही बात है कि जो मूक व्यक्ति है वो बेचारा नहीं बोल पाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कोई हो, लेकिन कितना भी पतित हो, कितना भी गिरा हो, किसी भी दशा में हो, उसको भगवान के नाम लेने का अधिकार है। वो सुलभ है नाम उसके लिए, और उससे उसका हित होगा। आचंडाल मूक लोक सुलभ हो, वश्यश्च मुक्ति श्रिय। और भगवान ने के नाम के अधीन ही है मुक्ति श्री, मुक्त होना, भगवान का पार्षद बनना है, संसार बंधन खुलना। नो दीक्षा न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्या मनागिक्षते, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं इसमें। कोई यज्ञ आदि करने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है, ये नियम वो नियम, ये पालन करो ये पालन करो, नहीं। भगवान के नाम में इसकी कोई अपेक्षा नहीं, करे कोई ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दीक्षा लेने से तब नाम फल देगा। न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्या मनागिक्षते, और न तो शुरू में ये कलश स्थापन करके तब जप करो या ये करो वो करो हवन करके करो, कोई जरूरत नहीं। मंत्रो अयम रसना स्पृशेग फलती, मंत्रो अयम रसना स्पृगेव फलती श्री कृष्ण नामात्मक, यह मंत्र, यह महामंत्र जो कृष्ण नामात्मक है, कृष्ण के नाम वाला कोई भी मंत्र रसना स्प्रिक एव फलते, केवल जिह्वा से स्पर्श हो जाए और अपना पूरा फल दे देता है। फलते कृष्ण नामात्मक, कृष्ण का नाम केवल जिह्वा से टच होना चाहिए, पूरा पूरा फल देता है। ये सब तो भगवान का प्रेम देता है, मुक्ति देता है, सब कुछ दे देता है। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम सही तब वैष्णव करिहता है रसम्मान, तो भगवान सिखा रहे हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के मुख पर एक नाम भी सुनो कभी, तो समझो ये वैष्णव है और उसका सत्कार करो, उसका आदर करो। खंडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि यही मुख्य तीन जन, और खंड ग्राम से आए हुए मुकुंद दास श्री रघुनंदन और नरहरि, ये तीन मुख्य जन हैं। मुकुंद दासेरे पूछे सचिरानंदन तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तर्तनाय निश्चय करिया कह जाऊ का संशय। मुकुंद दास उम्र में बड़े थे रघुनंदन की अपेक्षा, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं मुकुंद तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं? अजीब आश्चर्य से पूछते, लोग विनोद कर रहे हैं एक शिक्षा देने के लिए, तुम मुकुंद के पिता हो कि मुकुंद तुम्हारे पिता हैं? नहीं, और मुकुंद से पूछे कि तुम रघुनंदन के पिता हो कि श्री रघुनंदन तुम्हारा पिता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के कहने का मतलब था कि कौन प्रीच किया, कौन भक्त बनाया, तो जो प्रीच किया भक्त बनाया वो पिता के समान है, भले उम्र कुछ कम हो या कुछ भी हो। पहली बार कृष्ण के बारे में जो बताया सिखाया तो वही पिता है। मुकुंद से पूछते हैं कि तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता है? किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तारतमय निश्चय करिया कह जाऊ, हमको संशय हो रहा है। मुझे संशय क्या हो रहा है, बड़े उम्र के व्यक्ति से पूछ रहे हैं वो तुम्हारा पिता है कि तुम उसके पिता हो?
और उल्टे कह रहे बहुत मुझे संशय है कि कौन पिता है। संशय तो संशय इस बात का था कि वास्तव में पहले भक्ति कौन चालू किया और कौन उसको भक्त बनाया, परस्पर क्या किया। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है। मुकुंद जो बड़े उम्र के थे उन्होंने रघुनंदन के विषय में कहा यही हमारे पिता है। अमितार पुत्र ही हमारा निश्चय, इसमें संदेह नहीं है प्रभु, मैं इनका पुत्र हूं, अरे हमारे पिता है। जिस भक्त ने प्रथम बार कृष्ण का ज्ञान दिया, कृष्ण के प्रति लाया, भक्ति बढ़ाया, तो वो वास्तव में पिता है। तो यही हमारे पिता है, रघुनंदन हमारे पिता है, ये निश्चय करके बता रहा हूं। आमा सबर कृष्ण भक्ति रघुनंदन है, अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चय। हम सब में जो भी श्रीखंड गांव में, खंड गांव में जो भक्ति कर रहे हैं भक्त, चाहे उस क्षेत्र में, सबको रघुनंदन ने सिखाया है। अमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है, अतय वो पिता रघुनंदन हमारा निश्चित, इसीलिए मैंने निश्चित किया है यही हमारे पिता है। सुनी हर से कहे प्रभु कही ले निश्चय, जहा है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा। जिसे कृष्ण भक्ति होती है वही गुरु है, गुरु का श्रेष्ठ और स्पिरिचुअल मास्टर भी। तो स्पिरिचुअल मास्टर को तो ऐसे तो मैटेरियल मास्टर के अलावा, मैटेरियल मास्टर तो बहुत हैं, किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो कंपनी का मालिक भी मैटेरियल मास्टर है, और भी कई मैटेरियल मास्टर हैं, लेकिन भक्ति सिखाने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर इन्हें वो बाप भी है, वो पिता है, भगवान ऐसे करेगा, ऐसे सम्मान करना चाहिए। जहां है तो कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। भक्तेरा महिमा प्रभु कहते पाए सुख, भक्तेरा महिमा कहते है पंचमुख। भक्तों की महिमा कहने में चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुख मिलता था, और किसी भक्त की बड़ाई करते थे, उसकी महिमा गाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उनको पांच मुख हो गया है, एक मुख से ही पांच मुख का काम लेते थे, बहुत महिमा गाते थे। ये सीखना चाहिए वास्तव में, परस्पर भक्तों की बड़ाई करना बहुत आवश्यक। भक्तों की महिमा गाने से लोक में भक्तों का आदर होता है, लोग कृष्ण की बात सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्तेर महिमा कहते हैं पंचमुख, भक्त गणे कहे सुना मुकुंदर प्रेम, निगुढ़ निर्मल प्रेम जिन दग्ध हैं। अब मुकुंद के प्रेम को बता रहे हैं, भक्त गणे कहे सुनम मुकुंद रे प्रेम, सुनिए मुकुंद का प्रेम, भक्तों से कह रहे हैं इसका प्रेम कृष्ण के प्रति निगूढ़ है और निर्मल है। जेन दग्ध हेम, तप्त स्वर्ण के समान इसका शुद्ध प्रेम है। हेम को, सोने को जलाया जाए तो उसकी गंदगी सब जल जाती है, सोना चमकने लगता है। तो इस तरह से इसके हृदय में कोई दूसरी कामना नहीं है, ये छिपा हुआ इसका प्रेम है, लेकिन शुद्ध सोने के समान इसका प्रेम है। बाहे राज वैदई हो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम ही हर जानिबे को केवा। यह राज वैद्य है, राज वैद्य में तो राजा का डॉक्टर, राजा का वैद्य, राजा की सेवा करता है, लेकिन अंतर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है इसका, कौन जानेगा इसको। एक घटना द्वारा बता रहे हैं, एक दिन अम्लेच्छ राजर उच्च टूंगी थे चिकित्सा बात कहे तहार अग्रे थे। एक दिन म्लेच्छ राजा, एक मुसलमान राजा जिसके यहां ये काम करते थे, ऊंचे टूंगी पर बैठा था, टूंगी का अर्थ था टीला, एक ऊंचे टीला पर बैठा था, टीला के ऊपर फिर आसन लगा लिया था, जो भी खाट चाहे जो भी, तो चिकित्सा बात कहे तहार अग्रे थे। तो मुकुंद चिकित्सा के विषय में उससे बात कर रहे थे, उसको देख रहे थे, चेकअप कर रहे थे, या कोई भी चिकित्सा की बात कर रहे थे। हेन काले एक मयूर पूछे आड़ानी, राजशिरो परिधरे एक सेवकानी। उसी समय क्या हुआ, कुछ मुसलमान राजा के राजा मुसलमान राजा का एक सेवक आया तो मोरपंख लेकर के आया, जैसे छत व्यजन होता है ना, पंखा झलते हैं,
तो राजा बैठा था, घाम आ रहा था, तो राजा का सेवक मोर का पंखा लेकर के आया और ऐसे राजा के सिर पर आड़ किया उसे। वो पंखे के रूप में मोर था, लेकिन मोर पंख को देखते ही मुकुंद मूर्छित होकर के और उस टीला से नीचे गिर गया। मोर पंख देख करके, बाहर से तो एक डॉक्टर थे, वैद्य थे, राजा की सेवा करते थे, लेकिन भीतर कितना कृष्ण प्रेम छिपा था। सिखी पिछ देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट हैला, अति उच्च टुंगी है ते भूमि ते पड़ीला। वो अति उच्च टीला था, वहां से भूमि पर गिर गए, नीचे गिर गए। मोर पंख देखते ही तो राजर ज्ञान राज वैदर है लंबा रहा। तो राजा तो सोचा कि ये तो डॉक्टर आज गया इस दुनिया से, ये तो मर गया, दूसरों की चिकित्सा करता है, अब इतना ऊंचा से गिरा तो मरा होगा। तो राजर ज्ञान राज वैदर है लंबा रहा, आपने नामिया तबे कराई लचेतन, स्वयं वहां से उतर करके और आकर के संभालने लगा राजा मुकुंद को। तो कराई लचेतन, किसी तरह से चेतन हुआ। राजा बोले, व्यथा तुम्हें पहले कौन ठाई, कहां चोट लगा है, कहां व्यथा हुई है? वो पूछ रहा था राजा कि कहां चोट लगा है, बताओ बताओ। मुकुंद कहे, अति बड़ी व्यथा पाई नहीं। मुकुंद कहे, कोई बहुत बड़ी चोट नहीं लगी है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। राजा कहे, मुकुंद तुम्हें पड़ीला की लागी? मुकुंद कहे, राजा मोर व्याधि अच्छे मृगी। राजा ने पूछा कि तुम गिरे कैसे, तुम गिरे कैसे? वास्तव में मयूर पंख को देख करके गिरे थे, कृष्ण के प्रेम में आविष्ट हो गए, इतना प्रेम था। लेकिन राजा पूछता है, तुम गिरे कैसे? तो ये कहे कि राजा जी, हमको मृगी रोग है, कभी कभी मृगी आ जाती है, गिर जाता है। बताइए, भगवान कृष्ण के प्रेम मूर्छा को मृगी कह रहे हैं, बहुत छिपाते थे। मुकुंद कहे, राजा मोर व्याधि अच्छे मृगी, मुझको एक मृगी व्याधि है, उससे कभी कभी मैं गिर जाता हूं। मृगी व्याधि में व्यक्ति कभी कभी गिर जाता है ऐसे में। महाविदग्ध राजा से ही सब जाने, मुकुंद हैलताज महासिद्ध ज्ञाने। तो राजा जैसे भी हो महाविदग्ध था, अष्ट सात्विक विकार के बारे में सुना था, जानता था कि भगवान के प्रेम में ऐसे लोग गिरते हैं, तो जान गया कैसे गिरा। आखिर इसके पहले क्यों नहीं गिरा? जब तक मोर पंख नहीं आया था या किसी दिन नहीं आता था तो ये नहीं गिरता था। क्या मोर पंख के देखते ही मृगी बढ़ जाती है? सोची तो राजा समझ गया इसका भगवान मोर पंख पहनता है, तो मोर पंख को देख करके उस प्रेम में गिर गया, बेहोश हो गया। महाविदग्ध राजा सही सब जाने, मुकुंदेरा हैलत तार महासिद्ध ज्ञान। वो समझ गया कि महासिद्ध है, महावैष्णव। रघुनंदन सेवा करे कृष्णेर मंदिरे, द्वारे पुरस्करणी तार घाटे रह उपरे। रघुनंदन क्या सेवा करते, कौन ये तीनों क्या क्या काम करते थे? तीनों अपने पहले नाम सुना ना, मुकुंददास, रघुनंदन और नरहरी, ये तीन क्या क्या सेवा करते थे, कौन कौन भक्ति करते थे? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, रघुनंदन सेवा करे कृष्ण र मंदिरे, द्वारे पुष्करिणी तार घाटे रहू पर। ये रघुनंदन कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के मंदिर में रहता है और कृष्ण की सेवा करता है। द्वारे पुष्करिणी तार घाटे रहू पर, तो द्वार पर ही, मंदिर के द्वार पर अथवा इसके घर के द्वार पर पुष्करिणी है, छोटा सरोवर है। तो घाट के ऊपर एक कदम्ब का वृक्ष है, कदम्बेरा एक वृक्ष फूटे बार मास, नित दुई फूल है कृष्ण अवतम से। इसके घर पर कदम्ब का वृक्ष है, एक बारहो महीना फूलता है, तो उसमें से दो फूल ये सदा ला करके कृष्ण का अवतंश बनाता है, मुकुट बनाने के लिए देता है। ये अवतंश का अर्थ कान में कुंडल जैसा प्रस्तुत करता है, अवतंश माने मुकुट श्रृंगार।
नियम था, बारहों महीना कदम फूलता था, वो अद्भुत कदम था, उसमें से दो फूल नित्य ला ला करके सेवा करता था। ये सेवा था, मंदिर में रहता था वो भक्त और भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा लगा रहता था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो मुकुंद देर कहे पुनः मधुर वचन, तुमार कार्य धर्म, तुमार कार्य धर्म धन उपार्जन। तो उनको कहे कि ठीक है, ये तो मंदिर में सेवा करता है, बहुत अच्छा है, और मुकुंद से कहे कि तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है धर्म पूर्वक धन उपार्जन करना। तो ठीक है, डॉक्टर का वैद्य का काम करो, लेकिन धर्म से करना, अधर्म मत करना। कभी कभी डॉक्टर लोग पूरा धर्म करते हैं, जमराज के ही सहोदर भाई हो, बड़ा भाई हो जाते हैं। एक कविता है संस्कृत में, कवि कह रहा है कि वैद्यराज नमस्तेस्तु जमराज सहोदर, और जमह तू हरते प्राणान वैद्य प्राणान धना निच। हे जमराज जी के बड़े भाई डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम करता है। जमराज जी तो केवल प्राण लेते हैं, लेकिन आप प्राण और धन दोनों ले लेते हैं, इसलिए बड़े भाई। पहले ही लिखवा लेते हैं, फार्म भरवा लेते हैं कि मरेगा तो हम जिम्मेदार नहीं, और मर भी जाता है प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। जमराज जी तो धन नहीं छूते हैं, केवल प्राण लेते हैं। इसीलिए जमराज के अग्रज है सब डॉक्टर, जितने भरे पड़े आजकल के विशेष करके, जमराज जी इनके छोटे ही भाई हैं, बड़े भाई यही लोग। बहुत महंगा किए हैं दवाई और पढ़ाई, पहले के लोग फ्री पढ़ाते थे बच्चों को, फ्री धर्म समझते थे, पढ़ा देना पढ़ा देना पढ़ा देना। अब तो बहुत तरह से पढ़ाई का फीस लेते, छोटे छोटे बच्चों से दया आनी चाहिए, सब तो अपने ही बच्चे हैं, सोचना चाहिए। तो पढ़ाई और दवाई दो चीज बहुत महंगा हो गया। एक बंगाली भक्त हमसे बता रहा है, महाराज पढ़ाई और दवाई ये दो चीज बहुत महंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को कहा कि तुम धन उपार्जन करना और उस धन से भगवान की सेवा करना, लेकिन धन का उपार्जन धर्म से करना, अपना जो सही कर्तव्य है, और कोई ज्यादा लूटपाट मत करना, लूटपाट का बिल्कुल मत करना। दवा का दाम ले सकता है देखकर कुछ चिकित्सा करके, यदि अपने धर्म के अनुसार वैद्यगिरी की जाए तो वह भी भक्ति है, यदि उस धन से वैष्णवों की और विष्णु की सेवा की जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हार कार्य धर्मे धन उपार्जन, रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नहीं मन। तो रघुनंदन का काम है कृष्ण की सेवा करना, मंदिर में कृष्ण सेवा का अतिरिक्त कुछ नहीं करना। मुकुंद का काम है धन अर्पित करना, धन अर्जन करना, और नरहरि बहु अमर भक्त गण सन में यही तीन कार्य सदा कर तीन जन। और नरहरि को कहे कि तुम सब जगह घूम करके प्रचार करो, मेरे भक्तों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, कथा कहो, और जहां तहां जाकर के प्रचार करो, कथा कहो। तीन तीनों को तीन काम बताए भगवान ने। वो लोग भी पूछे होंगे कि हमारा काम बताइए, हमारा काम बताइए। तो पहले तो बताया कि वैष्णव का सेवन करना, कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण नाम संकीर्तन करना। तो नरहरि को संकीर्तन के लिए आदेश दिए कि तुम प्रचार करना, कीर्तन गाना। मुकुंद को कहे कि तुम धन अर्जन करना, और रघुनंदन को कहे कि तुम कृष्ण की सेवा करना। ये तीनों काम एक समान है वास्तव में। कहीं भी किसी भी कार्य में, मंदिर चलाने में या प्रचार में धन की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति धर्मपूर्वक धन का संग्रह करता है तो वह भी पुजारी ही है, भगवान की ही वो सेवा कर रहा है। अगर भगवान के लिए पैसा न आवे भोग आदि बनाने के लिए, तो पुजारी अकेले चामर डुलाकर क्या करेगा। मान लीजिए उसे भोग लगाने के लिए कुछ न मिले,
तो जो पैसे की व्यवस्था करता है धर्मपूर्वक, तो वह भी मंदिर की में पूजा कर रहा है, कोई अंतर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी यहां परपोट में लिखते हैं कि चाहे कृष्ण की डायरेक्ट श्री विग्रह की सेवा हो अथवा धन अर्जन कोई करता हो कोई भक्त, अथवा कोई प्रचार कर रहा है, तो तीनों एक है, लेकिन अपने अपने कर्तव्य में रह करके, अपने अपने नियम में रहकर करना चाहिए। सार्वभौम विद्या वाचस्पति दुई भाई, दुई जन कृपा करी कहे न गोसाई, दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नान कर जीवे रमुकुति। सार्वभौम और विद्या वाचस्पति, ये दो भाई, सार्वभौम भट्टाचार्य को ही कह रहा है ना, ऐसा लगता है। सार्वभौम और विद्या वाचस्पति दो भाई हैं, तो दोनों को स्पेशल आज्ञा दे, क्योंकि विद्या वाचस्पति विदा हो रहे थे, वो जा रहे थे, तो दोनों जुटे थे, विद्या वाचस्पति को विदा करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य आए थे। तो भगवान ने कहा चैतन्यनाथ में, सार्वभौम विद्या वाचस्पति दुई भाई, दुई जने कृपा करी कहे न गोसाई, दोनों से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपा करके, दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। देखो इस समय दारू ब्रह्म के रूप में और जल ब्रह्म के रूप में कृष्ण साक्षात प्रकट हैं, एक दर्शन से कृतार्थ करते हैं और एक स्नान से कृतार्थ करते हैं, मतलब जगन्नाथ जी और गंगा जी। तो ये सार्वभौम दारू ब्रह्म का साक्षात सेवन करेंगे, ये रहेंगे पुरुषोत्तम में। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सन। तो दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी हैं और जल ब्रह्म श्री गंगा जी हैं भागीरथी। तो सार्वभौम कर दारू ब्रह्म आराधन, वाचस्पति कर जल ब्रह्म र सेवन। आप सार्वभौम जी दारू ब्रह्म की आराधना कीजिए जगन्नाथ जी के, मतलब इनका दर्शन कीजिए, और वाचस्पति जी आप जल ब्रह्म का सेवन कीजिए, मतलब गंगा में रोज स्नान, गंगा जी की पूजा, ये आप कीजिए। तो भगवान कृष्ण प्रकट हैं साक्षात जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में, भगवान कृष्ण और वह गंगा जी के रूप में प्रकट, गंगा जी साक्षात भगवान का स्वरूप मानी जाती। एक भाई को कहे कि तुम दारू ब्रह्म का सेवन करो पुरुषोत्तम जी का भगवान का, और वाचस्पति को कहे कि तुम जल ब्रह्म का सेवन करो। हम लोगों को हरिद्वार में बहुत अच्छा सौभाग्य मिलता है कि जल ब्रह्म में गोता मारते हैं और फिर भागवत सुनते हैं। कितने भक्त दो बार स्नान करते हैं हरिद्वार में, यह शरीर गंगा जी में गोता खाता है, उसमें डुबाते हैं और फिर बाद में भागवत अमृत में मन को डुबाते हैं, तो अंत और बाह बिल्कुल शुद्धि हो जाती है। मुरारी गुप्तेर प्रभु करी करी आलिंगन, तार भक्ति निष्ठा कहन सुन भक्तगण। फिर मुरारी गुप्त को विदा करने लगे, तब कहते हैं सुनिए मुरारी की कैसी भक्ति निष्ठा है, कितना बड़ा भक्त है, सुने भक्तगण। सब सुन रहे थे, पूर्वे यामी इहर लोभाई लो बार बार, पहले मैं इसको बहुत लोभित किया, इसको लुभाया बार बार, परम मधुर गुप्त ब्रजेंद्र कुमार। तो मुरारी गुप्त भगवान राम के रघुनाथ जी के भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहले मैं इसको कई बार कहा कि सुनो ब्रजेंद्र कुमार नंद नंदन परम मधुर हैं, परम मधुर सब तरह से परम मधुर हैं, स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वस्व। एक तो स्वयं भगवान, छह स्वर्गों से पूर्ण सर्वांशी, सबके अंशी हैं, सब उनके अंश हैं, लेकिन वे परिपूर्ण हैं, सबके आश्रय हैं, विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमय, और विशुद्ध निर्मल प्रेममय हैं, सर्वरसमय हैं, सकल सद्गुण वृंद रत्न रत्नाकर। सारे सद्गुण, जितना भी अच्छा अच्छा गुण है सद्गुण, वह सारा का समूह यदि रत्न है तो उस रत्न के रत्नाकर हैं कृष्ण, सारे सद्गुण कृष्ण में हैं,
विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर, ये विदग्ध हैं, चतुर हैं, धीर हैं, रसिकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मधुर चरित्र कृष्ण मधुर विलास, चातुर जब वैदग्ध करे जारे लीला रस। तो मधुर चरित्र है इनका, मधुर विलास है रास आदि विलास, और चातुर वैदग्ध बहुत चतुर हैं। श्रीमद् भागवत में सब चतुराई लिखी गई है। चातुर्ज वैदग्ध करे, उन्हें सारे गुण हैं, सारे कलाएं हैं, सब कुछ हैं, लीला रस, और किसी से भी वे प्रेम कर सकते। देखो वो इतनी गोपियों को अपनाए और द्वारका में कितनी स्त्रियों से विवाह किए, लेकिन ये तुम्हारे इष्टदेव हैं राम, ये एक के अलावा दूसरी स्त्री को पूछते ही नहीं है, और एक आई भी विवाह करने तो उसका नाक कान कटवा लिए। तो ये तो सबके उपास्य नहीं है, कृष्ण ही ऐसे हैं जो सबके उपास्य। कोई उनको बच्चा बनाना चाहे तो बच्चा बन जाते हैं, ये प्रियतम बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, और बच्चों को खेल में हार कर कंध पर चढ़ाते हैं, इत्यादि सब बात तो कह रहे थे। और वो तुम्हारे जो इष्टदेव हैं राम, उनकी मां ने, सौतेली मां ने कह दिया 14 वर्ष वन में जाने को चले गए। इतना थोड़े भोला होना चाहिए, क्या जाने की जरूरत थी। तो सही कृष्ण भज तुम्हें हव कृष्णाश्रय, कृष्ण बिना अन्य उपासना मने नहीं लय। आप कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण का आश्रय लीजिए, कृष्ण का सेवन कीजिए, कृष्ण के बिना अन्य उपासना में मन मत लगाइए। ऐ मत बार बार सुनिया वचन, अमार गौरवे किछु फिर गेल मन। जब मैं बार बार कह रहा था, अवसर पाकर कभी कहने लगते थे क्या चक्कर में पड़े हो, भजन करो श्याम सुंदर का, इतना रसमय, और सारा समाज ही कृष्ण का भक्त है यहां पर। तो यही मत बार बार सुनिया वचन, अमार गौरवे किछु फिर गेल मन। तो मुझको बड़ा समझते थे, हम कह रहे थे इसलिए थोड़ा सा मन फिर गया इसका, मुरारी गुप्त के सामने कह रहे। हमारे कहे न यामी तुम्हार किंकर, तुम्हार आज्ञाकारी यामी नहीं स्वतंत्र। हमसे इसने कहा कि मैं आपका किंकर हूं और आपका आज्ञाकारी हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यदि आप आज्ञा दे रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, राम को छोड़ दो, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एतबलि घरे गेल चिंती रात्रि काले, रघुनाथ त्याग चिंता है लिकले। रात में घर पर गए और चिंता में पड़ गए, सोचने लगे रघुनाथ को कैसे छोड़ दूं, भगवान राम को कैसे छोड़ दूं, बहुत विकल हो गए, रोते रोते सवेरा हो गया। के मने छाड़ी बो रघुनाथ रा चरण, आज रात्रि प्रभु मोर करा मरण। फिर मनाने लगे, हे भगवान, हे श्री राम, मैं आपका चरण कमल कैसे छोड़ूंगा, आज रात में मैं मर जाता तो बहुत अच्छा है, मर जाता तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन और आपका त्याग दोनों नहीं होते। अगर चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं मानता हूं तो ये भी बहुत बड़ा पाप लग रहा था उनको, और वो नहीं समझ रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल मजाक कर रहे थे, परिहास कर रहे थे परीक्षा लेने के लिए। के मने छड़ी ब रघुनाथ थे रचरण, आज रात्रि प्रभु मोर कराय मरण। ऐ मत सर्वरात्रि करे न क्रंदन, मने स्वस्थ नहीं रात्रि कैला जागरण। मन स्वस्थ नहीं था, रोते रहे रात भर, रोते रहे और जागरण किए। प्रातःकाल आशी मोर धरी लचरण, फिर प्रातःकाल आकर के मुरारी मेरे चरण में गिर गया। कांदिते कांदिते कुछ करे निवेदन, और रोते रोते फफक फफक कर रो रहे थे और कुछ कहने लगे। रघुनाथ पाए मुई बेची अछ माथा, काही ते ना पारी माथा मने पाई बेथ। हे प्रभु, मैं श्री राम के चरणों में अपना माथा बेच चुका हूं, अपने को दे चुका हूं, अब मैं वहां से अपने माथा को निकाल नहीं सकता, मतलब मैं समर्पण कर चुका हूं भगवान श्री राम, वहां से अब मैं नहीं ले सकता। श्री रघुनाथ चरण छाड़ा न जाए,
तव आज्ञा भंग है, की करूं उपाय, मैं रघुनाथ के चरण को नहीं छोड़ पाऊंगा और आपकी आज्ञा भंग हो रही उसका पालन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या उपाय करूं हमें बताइए। ताते मोरे यही कृपा कर दयामय, तुम्हारा आगे मृत्यु हो चाहे का संशय, इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाए। ये तो सुनियामी बड़ मन सुख पाइनु, इहारे उठाइए तबे आलिंगन कैनु, ये सुन करके मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, इसको उठा करके आलिंगन किया और कहने लगा, साधु साधु गुप्त तुम्हार सुदृढ़ भजन, अमर बचने है तुम्हार ना टलिल मन, धन्य है तो वास्तव में साध बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, मेरे द्वारा बार बार उपदेश देने के बाद भी तुम्हारा मन भगवान राम को नहीं छोड़ा, बहुत धन्यवाद। यही मत सेवक प्रीति चाहिए प्रभु पाए, प्रभु छड़ाई ले है पद छाड़न में जाए, इस तरह से सेवक को चाहिए कि वो अपने प्रभु के चरण में प्रेम करे और प्रभु स्वयं ही छोड़ाए तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उदाहरण दिया, जैसे गोपियों को भगवान लौटा रहे थे कि लौट जाओ, पर उन्होंने नहीं छोड़ा, कई ऐसे उदाहरण, क्योंकि स्वयं भगवान राम ही कहें तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो तो राम ही हैं बोल रहे हैं कि छोड़ दो, ऊपर से बोल रहे थे प्रभु छड़ाई ले पद छाड़ दो न जाए, नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो सच्चा प्रेम है वास्तव में, जब भगवान के चरणों में समर्पण किए तो उनका चरण कैसे छोड़ा जा सकता है, चाहे उनका कोई रूप हो, चाहे नृसिंह देव का रूप हो या बराह भगवान का हो, भगवान श्री राम या स्वयं भगवान कृष्ण, जब दे चुके जीवन तो दे चुके, कभी स्वामी का त्याग नहीं करना चाहिए और वही छोड़ाने लगे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़, यही सच्चा प्रेम है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान अपने लीला में किसी अपने प्रेमी को कहते हैं कि तुम चले जाओ, दूर जाओ, ये जाओ, जैसे लक्ष्मण जी को कह रहे थे, तुम अयोध्या में रहो, माता पिता का पालन करो, प्रजा को सुखी करो, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता हूं, जीऊंगा तब मैं किसी को सुख दूंगा, आप अयोध्या में रहिए तो मैं भी रहूंगा, आप वन में जा रहे हैं मैं नहीं जी सकता। सीता जी भी जाने लगी, उसको भी भगवान रोक रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, तो वो गई। स्वयं स्वामी ही छोड़ावे फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भोजपुरी में कहावत है, कोई स्त्री कह रही है, चाहे मार गरियाओ पिया तोरे ओरियाओ, इसका अर्थ है कि कोई पत्नी, पतिव्रता पत्नी अपने पति से कह रही है कि चाहे तुम मुझे मारो चाहे गाली दो, चाहे मार गरियाओ कुछ भी करो, लेकिन प्रियतम तुम्हारे साथ ही तो जीवन भर रहना है। इस तरह से वो स्त्री कह रही, तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना है, मैं कहां जाऊंगी, तो चाहे मारो चाहे गाली दो। तो इसी प्रकार भगवान के चरणों को पकड़ना चाहिए पतिव्रता स्त्री की तरफ, प्रभु छाड़ा लेह पद छाड़न न जाए, यही मत तुम्हार निष्ठा जानी बार तरे, तुम्हार आग्रह यामी कहनू बारे बारे, तो मुरारी तुम्हारी निष्ठा को जानने के लिए भगवान राम में कितना तुम्हारा प्रेम है इसको जानने के लिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा था कि राम को छोड़ दो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण मधुर है, ये है। साक्षात हनुमान तुम्हें श्रीराम किंकर, तुम्हें केने छाड़िए तर चरण कमल, तुम साक्षात हनुमान जी हो, श्री राम के दास हो, तुम कैसे छोड़ सकते हो राम का चरण। सही मुरारी गुप्त आई मोर प्राण सम, इहर दैन सुनी मोर फाटे जीवन, तुम मुरारी गुप्त रो रहे थे विदा होते समय, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह मुरारी गुप्त मेरे प्राण के समान है, इसकी दीनता देख करके, दुख देख करके मेरी छाती फटती है। तबे वासुदेव प्रभु करे आलिंगन, तार गुण कहे है यह सहस्र बदन, इसके बाद वासुदेव का आलिंगन किए, एक भक्त थे जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से ये वर मांगा था कि प्रभु आप दयालु हैं, दया के समुद्र है, सारे जीव दुखी हैं, अब पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपने धाम में भेज दीजिए, उसके लिए रोते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इस बात को कह रहे,
निज गुण सुनिदत्त मन लज्जा पाया निवेदन करे प्रभु रे चरण धरिए। हाँ तो इस समय निवेदन कर रहे हैं वसुदेव के गुण को चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सहस्र बदन होकर के, इतना बड़ा भक्त है, ऐसे है वैसे है। तो अपने गुण को सुनकर वासुदेव लज्जित हुए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन किए, जगत तारिते प्रभु तुमार अवतार मोर निवेदन एक कर है अंगीकार। संपूर्ण विश्व के जीवों को तारने के लिए आपका अवतार हुआ है, मेरा एक निवेदन है, कृपया स्वीकार कीजिए। चरण पकड़कर वासुदेव कहते हैं, करिते समर्थ तुम्हें हव दयामय तुम्हें मन कर तब अनायास है। तो भगवान ने कहा कि चेतन महाप्रभु ने कहा कि अरे भाई हमारे शक्ति के भीतर होगा तब ना हम निवेदन सुनेंगे, हमारी सामर्थ्य होगी तब ना। तुम ऐसे चरण पकड़ करके विनय करने लगे, तब वासुदेव कहते हैं करिते समर्थ तुम्हें हव दयामय, आप हमारे निवेदन को पूरा करने में समर्थ हैं और दयामय हैं। यदि आपके मन में आ जाए कि इसकी इच्छा को पूरी करें तो आप अनायास कर सकते हैं। जीवेर दुख देखी मोरे हृदय बिदारे सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोरे फिरे। जीवों का दुख देख करके मेरा हृदय फटता है, सारे जीवों ने जो पाप किया है वो पाप हमको दे दीजिए, मैं भोगूंगा और सब सुखी रहे। जैसे महाराज रंती देव ने प्रार्थना किया था भगवान से कि सभी जीवों का दुख मैं भोगूं, तो सबका पाप हमें दे दीजिए, हम भोगना था। जीवेर पाप लैया मुई करो नरक भोग सकल जीवेर प्रभु घुचा है भवरोग। तो सारे जीवों का पाप लेकर के मैं नरक भोगूं और सारे जीव सुखी हो जाएं, आपके धाम में चले जाएं। इतने महाप्रभु चित्त द्रविला अश्रुकंप स्वर भंगे कहते लगीला। इस सुन करके इस प्रकार के दया का भाव चैतन्य महाप्रभु का चित्त द्रवित हो गया और उनके आंखों से आंसू निकलने लगा, कंपकंपी होने लगी और स्वर भंग हो गया। गदगद वचन में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारा विचित्र न है तुम साक्षात प्रहलाद तुम्हारा ऊपर कृष्ण संपूर्ण प्रसाद। ये विचित्र नहीं है वासुदेव, तुम साक्षात प्रहलाद महाराज हो और कृष्ण तुम पर पूरा पूरा प्रसन्न है। कृष्ण से ही सत्य करे जेई मांगे भृत्य भृत्यवंश पूर्ति बिनु नहीं अन्नकृत। अपने भृत्य की मांग को कृष्ण पूरा करते हैं, भृत्य की अपने सेवक की इच्छा पूर्ति के अलावा कृष्ण का और कोई कृत्य नहीं है। ब्रह्मांड जीवेर तुम वांछिल निस्तार बिना पाप भोगे हवे सबारा उद्धार। निश्चित है कि अगर तुम ये मांगते हो कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार हो जाए तो निश्चित कृष्ण ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिना पाप भोगे हवे सबारा निस्तार उद्धार, सबका निस्तार हो जाएगा, कृष्ण सब करेंगे। वो कृष्ण ही बोल रहे हैं तो स्वीकार कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने, एक ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव जितने हैं सब वैकुंठ जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। वसुदेव और वसुदेव फिर नरक भोग नहीं करेंगे। असमर्थ न है कृष्ण धरे सर्व बल तोमा के वा केने भुंजाई बे पाप फल। और कृष्ण तो बहुत समर्थ हैं तो वो तुमको क्यों पाप का फल भुगाएंगे, अनंत कोटि जीवों के पाप का फल तुमको नहीं भुगाएंगे। तुम्ही जा रही तवांछा से है ल वैष्णव वैष्णव पाप कृष्ण दूर करे सब। आप जिनका हित चाहते हैं कि यह व्यक्ति भगवान के धाम में जाए तो नरक भोग आदि न करे, तो आपके संकल्प से ये सब वैष्णव हो गए, एक ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब वैष्णव हो गए। एक भक्त के शुद्ध संकल्प से उनमें भक्ति आ गई सभी जीवों में, इसीलिए पाप तो रहा ही नहीं। और वैष्णव यदि कोई पहले पाप किया है तो उस पाप को विष्णु दूर करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो उनका पाप सब भगवान दूर कर देंगे, कृष्ण दूर कर देंगे, तो आपको भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आपको भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा और इतने जीव मुक्त हो जाएंगे, चिंता मत करो। जस्तुन्द्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधान रूप फलभा जन्मा तनोति कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजाम।
तो ब्रह्म संहिता का श्लोक उद्धृत करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो इंद्र गोप अथवा इंद्र, एक कीट अथवा देवराज इंद्र, सबको अपने कर्म के अनुसार फल भाजन मात्र होती, फल का बर्तन दे देते, मतलब कर्म फल भोगाते हैं, लेकिन अपने भक्तों का कर्म बंधन भगवान छीन कर देते हैं, उन्हें भोगाते नहीं, ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। तुमार इच्छा मात्रे हवे ब्रह्मांड मोचन, सर्व मुक्ति करते कृष्ण न ही किछु श्रम। तुम्हारे संकल्प से, इच्छा से पूरे ब्रह्मांड के जीवों का को मुक्ति मिल जाएगी, वो भगवान के धाम में जाएंगे, और सबको मुक्त करने में कृष्ण को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सुना बहुत मेहनत भगवान को करना पड़े, धीरे धीरे अब कोई ट्रांसपोर्टेशन द्वारा वैकुंठ भेज देंगे, ये व्यवस्था, वो टिकट रिजर्वेशन, ये वो, मतलब कुछ नहीं उनको करना पड़ेगा। एक उडुम्बर वृक्ष लागे कोटि फले, कोटि जे ब्रह्मांड भाषे वीर जार जले। और ये भी मत सोचे कि कृष्ण इसे नहीं करना चाहेंगे, कृष्ण करेंगे। एक उडुम्बर के वृक्ष में, गुलड़ के वृक्ष में करोड़ों फल लगता है, एक फल है मान लो एक ब्रह्मांड की तरह, तो कोटि जे ब्रह्मांड भाषे बीरजार जले, तो कोटि कोटि ब्रह्मांड बीरजा नदी में तैरते रहते हैं कृष्ण के बनाए हुए सब, और एक 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 ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव रहते हैं, और अनंत कोटि तो पहले तो ब्रह्मांड है वो अलग, और एक ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि जीव है। तो तार एक फल पड़ी यदि नष्ट है, तथापि वृक्ष नहीं जाने निज अपचय। अगर गुलड़ के वृक्ष में मान लो करोड़ों फल लगे हैं, तो उसमें से एक फल यदि गिर जाए, नष्ट हो जाए, फिर भी उसे वृक्ष का तो कोई अपचय नहीं होगा, कोई इसमें कमी नहीं आएगी। तैछे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त, तैछे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त है, तब अल्प हानि कृष्ण मने नहीं लाए। तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड के सारे जीव अगर मुक्त हो जाते हैं, तो उसमें कृष्ण को कोई हानि नहीं है, मन में सोचते भी नहीं है। अनंत ऐश्वर्य कृष्ण वैकुंठ आदि धाम, तार गढ़ खाई कारणाब्धि जार नाम। अनंत कोटि वैकुंठ धाम है, अनंत ऐश्वर्य है कृष्ण, और उसके चारों तरफ जो खाई है, गढ़खाई, उसका नाम है कारणाब्धि, कारण समुद्र। और ताते भाषे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, गढ़खाई ते भाषे जन वायु पूर्ण भांड। ताते भाषे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, तो माया शक्ति के द्वारा भगवान इस तरह अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, गिनती में अनंत। तो ये सब बिरजा समुद्र में, वैकुंठ के बाहर, ये सब बिरजा नदी में ऐसे तैरते हैं जैसे एक विशाल बर्तन में सरसों के दाने रखे गए, इतने इतने ब्रह्मांड हैं। तार एक राई ना से हानि नहीं मानी, ऐसे एक अंड ना से कृष्ण नहीं हानि। अगर उस बड़े विशाल बर्तन में से एक राई का दाना निकाल लिया जाए तो कोई कमी होगी क्या? कभी कभी लोग यहां चिंता करते हैं कि सभी लोग साधु हो जाएंगे भजन करके और वैकुंठ चले जाएंगे तो यहां क्या होगा, तब तो सृष्टि बंद हो जाएगी। सृष्टि तो ऐसे ही है, सरकार बंद करा रही है, अब बच्चा नहीं उत्पन्न करो, ये करो वो करो, परिवार नियोजन, ये सृष्टि रुक रही है, और इन लोगों के रुकने से रुकने वाली नहीं है। भगवान सृष्टि करते हैं और प्रलय भी वही करते हैं, ये लोग नहीं प्रलय कर सकते, रुकने वाले खुद ही मरकर चले जाएंगे, सृष्टि रोक रहे हैं। तो सारी जिम्मेवारी यही ले लिए सबको खिलाने पिलाने की, कैसे इतने लोग जिएंगे, और कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर दूसरे जीव बढ़ रहे हैं तो सबका भोजन चल ही रहा है, जल में मछलियों को भोजन मिलता है, स्थल पर हाथियों को, सबको, कीट पतंग सबको, इसमें से कितने लोगों को ये लोग खिला रहे हैं, समुद्र में मछलियों को कितना भोजन देते हैं, आखिर खाते हैं कि नहीं? इतने वृक्ष उगे हैं, सब अपने जड़ से मूल से खाते हैं,
आजकल का आदमी शासन में हो चाहे कहीं भी, वो क्या खिला रहा है, क्या दे रहा है, वो खुद कंगाल है, खा रहा है, भगवान का दिया हुआ खा रहा है। लेकिन अगर बहुत लोग बढ़ गए, कैसे सब भोजन चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, इसीलिए मारो, ऐसे करते। तो वास्तव में भगवान की अनंत सृष्टि है, एक विशाल बर्तन में रखे हुए सरसों के दानों में से एक दाना निकाल ले रहे तो कोई हानि नहीं। सब ब्रह्मांड सहज यदि माया है क्षय, तथापि न माने कृष्ण की सुरक्षा। यदि पूरे ब्रह्मांडों के साथ और माया शक्ति भी पूरा भी खत्म हो जाए तो कृष्ण का क्या बिगड़ेगा, वो तो वैकुंठ में स्वरूप शक्ति के साथ रहते हैं। उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु, कोटि काम धेनु पति झागी जैसे मरे, ऐश्वर्य पति कृष्ण माया क्यों करे। यदि करोड़ों करोड़ों काम धेनु गाय का कोई मालिक है, करोड़ों काम धेनु गाय हैं, और उस मालिक के घर में अगर एक बकरी मर जाए तो क्या उसकी बहुत हानि हो जाएगी। ये माया शक्ति भी मर जाए पूरा, बहिरंगा शक्ति न भी रहे तो कृष्ण को इसे क्या हानि है, क्या क्षति है इनको, अनंत ऐश्वर्य है कृष्ण। कोटि काम धेनु पति छागी जैसे मरे, ऐश्वर्य पति कृष्ण माया की वक करे। माया के नष्ट होने से क्या, तो माया के द्वारा रचा हुआ सारा ब्रह्मांड। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो। यही जय जय जहिया जा मजित दोष गृहित गुणाम तमस जदात्मना समवरुद्ध समस्त भव अगजगदो कसाम अखिल शक्तवबोधक ते क्वचिद अजयात्मना चचरतो नुचरे निगम। आत्मा यानी प्रकृति वास्तव में भगवान की दासी है, इस बात को कहने के लिए यह श्लोक उद्धृत किया गया। एई मत सर्व भक्त कही सब गुण सबारे विदाय दिल कर आलिंगन प्रभुर बिछेदे भक्त करे न रोदान भक्तेर बिछेदे प्रभु विषण है लमन। इस प्रकार चैतन्य महापुरुष सभी भक्तों को विदा कर रहे थे।